आपने देखा कि चीन में कोरोना से मची तबाही के बाद कैसे भारत अलर्ट मोड पर है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि चीन में फैले BF.7 का तोड़ क्या है। तो यह खबर भारतीयों को बेहद ध्यान से लेनी चाहिए। अगर आपने कोरोना वैक्सीन की तीसरी बूस्टर डोज नहीं लगवाई है, तुरंत लगवा लें, क्योंकि BF.7 का रामबाण बूस्टर डोज बताया जा रहा है। कि चीन के नए वायरस से कैसे बचे, क्या जानलेवा BF.7 का तोड़ बूस्टर डोज ही है, क्या बूस्टर डोज ही चीन के नए वायरस का रामबाण है? भारत में जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है वो क्या करें? अब सवाल यह भी है कि भारत में कितने लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई है। तो ये बात भी बेहद चौंकाने वाली है कि कई ऐसे लोगों को भी बूस्टर डोज के सर्टिफिकेट जारी कर दिए जा रहे हैं जिन्होंने अब तक कोविड वैक्सीन की तीसरी डोज ली ही नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या अच्छी खासी जान पड़ती है जिनके नाम पर बूस्टर डोज के फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। बूस्टर डोज की चर्चा के बीच फर्जी सर्टिफिकेट के चलन ने बढ़ाई चिंता। कई लोगों के नाम से बूस्टर डोज के झूठे सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। फर्जी सर्टिफिकेट जारी होने के कारण तीसरी डोज लेने की परेशानी सिर्फ 28% लोगों ने ही ली है कोविड वैक्सीन की तीसरी डोज। कोरोना का नया वेरिएंट BF.7 चीन से भारत पहुंच चुका है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार भी पूरे अलर्ट पर है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट से बूस्टर डोज ही आपको बचाएगी। कि कई लोग आप सोचते हैं कि कोविड भारत में नहीं है इसलिए हमें कुछ बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है, तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि कोविड भारत में अभी भी है, कहीं दुनिया से कोविड नहीं गया है। इसलिए जिन लोगों को बूस्टर डोज ड्यू है या जिन्होंने नहीं लगाया है वो आगे आके बूस्टर डोज जरूर लगाएं, क्योंकि इस बूस्टर डोज से डेटा ये दिखाता है कि हमें नए वेरिएंट से भी प्रोटेक्शन मिलती है और दूसरा हद तक जो लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स होते हैं वो भी कुछ हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। इसलिए मैं यही सब लोगों को कहूंगा कि अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लगाया तो घबराए नहीं और आगे आके बूस्टर डोज लगाएं। दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय है कि बूस्टर डोज लेने से कोरोना के BF.7 वेरिएंट का खतरा टल जाता है। ऐसे में अगर अब तक आपने बूस्टर डोज नहीं ली है तो जल्द से जल्द बूस्टर डोज लेकर खुद को कोरोना से सुरक्षित करें। हमने जो ये कोविड की लड़ाई जीती है 2 साल, मैं हमेशा कहती आई हूँ कि ये हमने जीता है भारत के पॉपुलेशन की वजह से, हमारी लोगों की वजह से जिन्होंने कोविड के निर्बंध का अवलंब किया, वो पालन किया और जब वैक्सीनेशन टीकाकरण उपलब्ध हुआ तो टीके लिए। इसलिए आज की एग्जैक्ट डेट मुझे तारीख फिगर मुझे पता नहीं, लेकिन अपने यहाँ 200 करोड़ से ज्यादा डोसेस मिल चुके हैं। तो ये एक वजह है कि अपनी पॉपुलेशन ने ये सारा किया है। बहुत लोगों को हो चुका है कोविड, बहुत लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है, टीका लिया है, तो प्रोटेक्टेड है।